मीडिया सेंटर ऑफ शामली ने किया गरीब मजदूर व असहाय लोगों को राशन वितरण। मीडिया सेंटर ऑफ शामली जनपद में करीब 400 लोगों को राशन वितरण करेगा। कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों के सामने खानपान की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते अनेकों समाजसेवी संस्थाएं गरीबों की मदद के लिए आगे आकर उनकी मदद कर रही हैं। मीडिया सेंटर ऑफ शामली ने गरीबों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए संस्था ने अपने सहयोगियों से धन एकत्रित कर जनपद में करीब 400 गरीब, दिव्यांग, विधवा व असहाय परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया है। वहीं सोमवार को खाद्य सामग्री वितरण का शुभारंभ थाना भवन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रभाकर केंतुरा ने किया, जिसमें मीडिया सेंटर ऑफ शामली से जुड़े लोगों ने थाना भवन नगर में 65 परिवारों को राशन की किट सौंपी, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो सरसों का तेल, 2 किलो दाल, 1 किलो नमक, 250 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम हल्दी, 150 ग्राम चाय पत्ती, 1 डिटोल साबुन, मास्क आदि थे। वितरण के दौरान राफे खां मीडिया सेंटर प्रभारी, राव सलीम, डॉक्टर नावेद, शाह आलम, मेहराज अहमद, गोल्डी राणा, सुशील पांचाल, पंकज उपाध्याय आदि मौजूद रहे।